में एकता दिवस का एहतमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौम ने किया याद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए मरकजी जेर इंतजाम इलाके, दोनों इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों ने संभाला चार्ज। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने की है वियना माहदे की खिलाफ वर्जी, आलमी अदालत के जज की अफवाह मुतहदा को रिपोर्ट। और चीफ मिनिस्टर केसीआर की सदारत में 3 नवंबर को काबीना का इजलास, आरटीसी के ताल्लुक से लिया जा सकता है अहम फैसला। आदाब, उर्दू खबरों के साथ मैं हनुलफा नवाज। पेश खबरें तफसील से। मुल्क भर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर कौमी एकता दिवस के तौर पर मनाया गया। मुख्तलिफ मुकामात पर एकता दौड़ का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह के बशमूल दीगर कायदीन ने सरदार पटेल को खिराज पेश किया। पेश एक रिपोर्ट। आयरन मैन ऑफ द इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में एकता दिवस के तहत बड़े पैमाने पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस जिम्न में दिल्ली में सरदार पटेल चौक के अहाते में वाकई सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर हरदीप सिंह, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने गुलहाय अकीदत पेश किया। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमात को याद किया गया। मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के मौके पर कौम उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में वाकई सरदार पटेल के मुजस्मे इतिहाद पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बाद अजां उन्होंने एकता दौड़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर अजम ने कहा कि मुल्क के इतिहाद और सालिमियत के लिए सरदार पटेल के नजरिए पर अमल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सालिमियत के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह मुजस्मा इतिहाद एक बड़ी निशानी है। कसरत में वहदत इस मुल्क की मीरास है, इसे हिंदुस्तान कभी समझौता नहीं कर सकता। हमें हर पल विविधता के हर अवसर को सेलिब्रेट करना है, उत्सव के रूप में उसको मनाना है, जी जान से जुड़ना है। और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही तो नेशन बिल्डिंग है। कभी सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला उनके पास रहा होता तो उसे सुलझने में इतनी देर नहीं होती। मैं आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला एकता के साथ 5 अगस्त को जो महान निर्णय किया है, उस महान निर्णय को मैं सरदार साहब को समर्पित करता हूं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नई व्यवस्थाएं, जमीन पर लकीर खींचने के लिए नहीं है बल्कि विश्वास की एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए किया गया सार्थक प्रारंभ है। यही विश्वास है जिसकी कामना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए की थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मर्द आहन के नाम से मशहूर मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इतिहाद दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वहां मौजूद लोगों को मुल्क के इतिहाद और सालिमियत का हलफ दिलाया। सरदार पटेल को खिराज अकीदत पेश करने के बाद खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A मुल्क में दहशतगर्दी का गेटवे था। वजीर अजम मोदी ने उन्हें खत्म करते हुए दहशतगर्दी के दरवाजों को बंद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में बाकायदा तौर से शामिल करके बड़े मसले को हल किया है। सरदार पटेल ने जिस तरह तमाम छोटी रियासतों को हिंदुस्तान में जम करके अखंड भारत का ख्वाब देखा था, मोदी की इस कोशिश से सरदार पटेल का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। आप सभी को और समग्र देश को मैं आज राष्ट्रीय एकता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं
और आप सबको आज एकता दिन के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत भी करता हूं। मित्रों, आज 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जन्म जयंती है और सरदार पटेल की जयंती को हम एकता दिन के रूप में मनाते हैं। देश के प्रथम गृह मंत्री, लोह पुरुष और जिनके कारण भारत का ये स्वरूप आज हमारे सामने है, दुनिया पर है और एक प्रकार से अखंड भारत का अस्तित्व जिनके कारण आया, जिन्होंने भारत को एक करने का काम किया, वो सरदार पटेल जी को आज हम सब कृतज्ञता के साथ याद कर उनके ही गुणों में से कुछ प्राप्त कर देश को एक और अखंडित रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। इधर हैदराबाद में भी एकता दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसमें मरकजी ममलिकती वजीर ज़राअत पुरुषोत्तम रूपाला, रियासती बीजेपी यूनिट के सदर के लक्ष्मण और दीगर कैदी ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रूपाला ने कहा कि सरदार पटेल की कोशिश की वजह से आज मुल्क का नक्शा इस तरह नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद दक्कन को हिन्दुस्तान में जम करने के लिए सरदार पटेल की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। तेलंगाना के तमाम अजला में भी कौम एकता दिवस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। पेश एक रिपोर्ट। भद्राद्री कोत्तागुडम जिले के भद्राचलम में सीआरपीएफ की 141वीं बटालियन की जानिब से एकता दिवस के मौके पर खून का अतिया कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बटालियन के कमांडेंट कैलाश चंद्र ने वल्लभ भाई पटेल की खिदमत को याद किया। श्री वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे और उन्होंने इसको रखा और इनका नाम चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किया। इसके बाद सीआरपीएफ ने देश के एकीकरण के लिए जो छोटे छोटे राजे महाराजा थे उनको इस देश में मिलाने के लिए उनकी अगुवाई में बहुत विशेष योगदान दिया है। इसलिए हम हमेशा से ही श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को विशेष आदर और सम्मान के साथ देखते हैं। खम्मम जिले के लाकारम टैंकबंड के पास इत्तेहाद दौड़ का एहतमाम किया गया। खम्मम के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। उन्होंने सरदार पटेल की खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज पेश किया। कामारेड्डी जिले में महकुमे यूथ सर्विस की जानिब से जिले के सरकारी डिग्री कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक एकता दौड़ का एहतमाम किया गया। बाद अज़ां कलेक्ट्रेट के अहाते में मुजस्सिमे पटेल पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए इत्तेहाद और सालिमियत का हलफ दिलाया गया। करीमनगर में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर जोशो खरोश देखा गया। जिले कलेक्टर सरफराज अहमद और दीगर अफसरों ने पटेल के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अकीदत पेश किए। वरंगल जिले में महकुमे तल्लात नशरियात की जानिब से वर्धना पेट के डिग्री कॉलेज में सरदार पटेल की जयंती का एहतमाम किया गया। तकरीब में शरीक लोगों को इत्तेहाद और सालिमियत का हलफ दिलाया गया। महबूबाबाद जिले में महकुमे तालीम के जेर एहतमाम इत्तेहाद दौड़ का एहतमाम किया गया। इसमें लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्वच्छ भारत से मुतालिक शऊर बेदार भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। जम्मू कश्मीर आज से रियासत नहीं रही। ये सरकारी तौर पर आधी रात से दो मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जन्मदिन के मौके पर दो मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के तौर पर वजूद में आए हैं। मरकजी हुकूमत ने दफा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को हासिल खसूसी अख्तियारात को खत्म करते हुए दो नए मरकजी जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया था। आज सुबह जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने राधा कृष्णा माथुर को लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का हलफ दिलाया। लेह में मुनक्किदा इस तकरीब में अफसरों और दीगर शरीक थे। इधर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने हलफ लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने भी उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस तरह बाकायदा तौर पर दोनों मरकजी जेर इंतजाम इलाकों का कामकाज शुरू हो गया है।
بین الاقوامی عدالت آئی سی جے نے کہا ہے کہ کلبھوشن جادھو معاملے میں پاکستان نے ویانا معاملے کی خلاف ورزی کی ہے. عدالت کے جج عبدالخوی یوسف نے اقوام متحدہ کو یہ جانکاری دی. جسٹس یوسف کی جانب سے اقوام متحدہ کو ایک رپورٹ سونپتے ہوئے کہا کہ عدالت نے یہ پایا کہ پاکستان نے ویانا معاہدے کے آرٹیکل 36 کے تحت کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اس معاملے میں کافی کچھ کیا جانا ہے. تلنگانہ کابینہ کا اجلاس 2 نومبر کو منعقد ہوگا. چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں پرگتی بھون میں منعقد ہوگا. امکان ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں ریاست میں جاری آر ٹی سی ہڑتال کے پیش نظر اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ قریب 3 تا 4 ہزار روٹس پر خانگی افراد کو گاڑیاں چلانے کی اجازت کو منظوری دی جا سکتی ہے. ایک بار پھر اہم خبروں کے ساتھ آج کا بلٹن یہیں ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. آداب. ملک بھر میں ایکتا دیوس کا اہتمام. سردار ولبھ بھائی پٹیل کو قوم نے کیا یاد. جموں کشمیر اور لداخ دو نئے مرکزی زیر انتظام علاقے. دونوں علاقوں کے لیفٹیننٹ گورنروں نے سنبھالا چارج. کلبھوشن جادھو معاملے میں پاکستان نے کی ہے ویانا معاہدے کی خلاف ورزی. عالمی عدالت کے جج کی اقوام متحدہ کو رپورٹ. اور چیف منسٹر کے سی آر کی صدارت میں 3 نومبر کو کابینہ کا اجلاس. آر ٹی سی کے تعلق سے لیا جا سکتا ہے اہم فیصلہ.